अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इससे पहले लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर चुके हैं, उनके बारे में 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं और अभी जो हम अपलोड करेंगे ये तीसरी वीडियो है। ये सिर्फ आपके लिए इसलिए है कि मेरा बेटा आप अपनी अच्छी तैयारी करो और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, ठीक है। अब ये देखें आपके सामने जो क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, आप ये देखें कि हम फर्स्ट देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। देखें ये 2 जो हैं सर्कल्स कौन से हैं, स्मॉल सर्कल हैं, एक फील्ड है और एक हॉलो है और दरमियान में बड़ा सर्कल है। इट मीन्स हमें ये पता चल रहा है कि एक ही शेप जो है वो कोई भी शेप हो उसकी हमें 3 टाइप्स दिखानी है, कैसी, 2 तो स्मॉल और एक जो है वो लार्ज, लेकिन जो स्मॉल है उसमें एक फील्ड होगी और एक हॉलो होगी, ठीक है। अभी यहाँ देखिए कि ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल फील्ड है और ये ट्रायंगल हॉलो है। अब यकीनन ये हमारे पास क्या हमें नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है ये कि हमें ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ब्लॉक में अब ये स्मॉल है, दूसरा एक और स्मॉल होना चाहिए और एक लार्ज होना चाहिए, लेकिन ये स्मॉल हॉलो है, कौन सा, ये वाला हॉलो है, तो एक कौन सा होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, फिल्ड होना चाहिए, और हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला हमारे पास है जिसमें कि एक फील्ड है और स्मॉल है और एक लार्ज है, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं तो इसमें देखें एक उसमें नंबर, यहाँ पर आप देखें इस वाले नंबर में क्या दिया है, लास्ट वाले में जहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये वाला हम इसकी बात कर रहे हैं जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, कि यहाँ आप देखें इसमें एक हॉलो है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये वाला भी हॉलो है इसलिए ये हम नहीं कह सकते। और इसके अलावा क्या है, हम इसको देखते हैं अगर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्योंकि ये है नहीं है ट्रायंगल, देखें इससे नहीं होगा, और अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें बड़ा वाला ब्लॉक फिल है जो कि ऐसा नहीं है। इट मीन्स क्या है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। मीन्स 2 कौन सा दे रखा है, बी में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बस अपने सेंस को यूज़ करना है, माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, अच्छे हैं, आपको सब इसमें पता चलेगा, नज़र आएगा, आप इजीली इसको कर सकेंगे, कर लेंगे आप। अब देखें नेक्स्ट में क्या है, यहाँ आपने यहाँ कंसीडर करना है कि हमारे पास क्या है, 3 डॉट, एक नंबर कम करें 2 डॉट, फिर 2 पर ख़त्म होते, देखे 2 से शुरू हो गया, फिर 2 है, फिर एक कम करें 1 हो गया, फिर 1 पर ख़त्म हुआ, ये देखे तो 1 पर ही क्या, 1 से शुरू हो गया और एक हॉलो आ गया, ठीक है। यानी एक एक नंबर कम करते जाना है और दोबारा क्या है, आपने यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है, फिर ये देखे नीचे से ऊपर जाना है। यहाँ पर हम देखें हमारे पास क्या, उसी चीज़ को इन्होंने पलटा दिया है। अब इन्होंने यहाँ से लिया तो ये 3 थे, ये 2 हो गए, फिर ये 2 हो गए, फिर ये 1 है तो ये 1 हो गया और ये हॉलो हो गया, ठीक है, इस पैटर्न पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखें आपको यहाँ भी यही तरीका करना है, अगर ये 1 है तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यकीनन 1 आएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, 2 आएगा, फिर 2 के बाद 2 दोबारा आएगा और फिर 3 आएगा। हम देखते हैं कि कहाँ पर ये तरीक़ाकार चल रहा है, जहाँ भी ये मेथड होगा आप उसको खुद डिटेक्ट करें और ख़ुद निकालने की आप कोशिश करें कि कहाँ से ये पता चलेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जी इसका आंसर क्या होगा, अब हम देखेंगे कि 1 हमारे पास कहाँ पर दिया हुआ है, किस साइड पर, कौन से हैंड पर दिया हुआ है, राइट साइड पर दे रखा है, और 1 के नीचे हॉलो कहाँ पर हमें दे रखा है, वो भी कहाँ दे रखा है हमें, यानी एक खाना खाली है वो कहाँ है, नीचे वाला है। अब आप इसको देखें, इसके साथ मैच करके देखें, इसके साथ मैच करके देखें तो देखें ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। अब 2 और 1, 3 और 2 कहाँ है, 2 और 1, 3 और 2 कौन सा होगा, इसमें देखें बिल्कुल ऐसी शेप, यही वाला रिपीट हो रहा है, हो रहा है ना, यही रिपीट देखें, यही वाला कौन सा, ये वाला देखें आप, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये रहा बिल्कुल वही ऑर्डर चलेगा, तो इस ऑर्डर पर कौन चल रहा है, कौन सा है देखें, और हम जानते हैं कि ये वाला पैटर्न आएगा, ठीक है, इस पैटर्न पर चलेगा, इस पैटर्न पर अब कौन सा हमारे पास, देखिए हमारे पास ये ए आ रहा है, यानी कि ये वाला, ये आ रहा है 1, कौन सा वाला, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। कुछ समझ नहीं आए बात तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।
अभी बेटा आपको क्या कंसीडर करना है, इसमें भी आपको ये गौर करना है, देखें कि क्या इन्होंने मेथड क्या रखा है इसमें, समझें कि ये ई है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमें इनका माउथ देखना है कि इनका माउथ किस तरफ को है और क्या प्रोसेस चल रहा है। अब आप देखें यहाँ पर ये आपको टू दे रखे हैं, एक ही साइड पर इनका मुंह है और दूसरा नीचे है। फिर देखें यहाँ चलें तो ये टू दे रखे हैं और क्या अल्टरनेट पर देखें और उसका ई का मुंह नीचे था, इसका ई का मुंह देखें ऊपर को है। अब यकीनन इसके साथ ये चलेगा, जब इसके साथ ये चलेगा तो इसका मुंह क्या है, ई का मुंह क्या है, नीचे है, तो इसका मुंह कहाँ होगा, इसका मुंह यहाँ पर ऊपर होगा, ऊपर होगा। अब देखिए ऐसा कौन सा है जिसका मुंह ऊपर है, आपको नज़र आ रहा है कौन सा है। हाँ शाबाश, समझ आ रही बात, ये रहा ये थ्री है, यानी क्या थ्री और थ्री में क्या होगा, सी होगा। आप बेटा ये क्या करें, या तो उसको रेगुलर देख लें या ज़्यादातर जितने भी आपके लॉजिकल रीजनिंग के होंगे वो अल्टरनेट पर होते हैं, एक के बाद एक को चेक करें। वो एक रखते हैं फिर एक छोड़ देते हैं फिर एक रखते हैं, या एक के बाद एक, इस तरीके से रेगुलर भी हो सकता है, लेकिन आपने इनको दोनों को फॉलो करना है। अभी आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ बी को देखेंगे, ठीक है, कि बी का क्या तरीका कार उन्होंने दे रखा है, किस तरीके से बी के ये पार्ट्स का होगा। अब आपने इसका भी माउथ को देखना है, चेक करना है, माउथ को देखें किसी भी तरीके से करें, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी करें, लेकिन आपने इसको डिटेक्ट करना है कि भाई ये क्या होगा, आंसर किस तरीके से आएगा। वो ये आपका अपना तरीका कार है, नॉलेज है कि आपने क्या करना है जी। अब हम देखें ये टू बी सीधे लिखे हैं, ये टू बी क्या है, उल्टे लिखे हैं। अब देखें यहाँ पर क्या है, अब देखें चेंज कौन हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, आपने ये चेक करना है, सेम कौन सा है और चेंज कौन हो रहा है। देखें ये रहा, ये सेम है, ठीक है, और यानी ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, यहाँ ये दोनों क्या हैं, ये दोनों उल्टे हैं, तो ये दोनों सीधे हैं, ठीक है, और ये भी सीधा है तो ये उल्टा है। अब आपको बात समझ आई, अब आप अल्टरनेट पर चले जाएं। अब आप यहाँ देखें कि क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ देखते हैं तो क्या हो रहा है, इसमें आप देखें यहाँ ये भी कैसे थे, उल्टे थे, तो यहाँ भी ये भी उल्टे हैं, यहाँ ये भी सीधा था तो यहाँ भी ये भी देखें सीधा है। अल्टरनेट पर इस बी का एक यानी सेकंड नंबर वाले बी को यहाँ सीधा रखा है और सेकंड नंबर वाले बी को यहाँ पर देखिए आपको क्या किया है, उल्टा रखा है, ठीक है। अब एक के बाद अगर आप एक को देखते हैं तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है, आप वो देखें जी। स्टूडेंट्स अभी आप ये देखें कि यहाँ पर हम जब नेक्स्ट जो हमें डिटेक्ट करना है उसमें आप देखें ये अल्टरनेट पर नहीं बल्कि दो दो के बाद ये चल रहा है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर दो सीधे हैं, यहाँ पर दो सीधे और दो उल्टे। ये आपको फील हो रहा होगा कि ये तो बहुत ही यहाँ गंदगी हो गई है, तो हम इसको ये रिमूव करके आपको दोबारा बता रहे हैं ताकि आपको पता चले जी। अब आप मैच करके देखें, आप देखें दो सीधे और दो उल्टे ये रहे बी, ठीक है, ये देखें पेयर सीधा, ये पेयर उल्टा, ये पेयर और एक सीधा, एक ये घूम गया, यहाँ पर देखें ये घूम गया है, उल्टा कर दिए। यहाँ पर भी देखें, ये देखें जो ये बी था सेम वही रहा, और किसने अपने आप को चेंज किया, पहले ने अपने आप को चेंज किया। तो अब आप इसको देखें लास्ट वाले को यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट वाले को देखो दो उल्टे हैं, तो जो अल्टरनेट पर पहले में था पैटर्न फर्स्ट में, आप देखिए वही वाला पैटर्न चलेगा। अगर दो उल्टे हैं तो दो सीधे आएंगे, यानी ये थ्री आएगा, मींस क्या है, सी आएगा, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात।
जी बेटा इसमें देखें ये क्या है, वन ओवर टू आधा, ये क्या है वन ओवर फोर चौथा हिस्सा, ठीक है, ये कितना है, ये भी वन ओवर टू हो गया आधा। अब हमें यहाँ देखना है कि इसमें इन्होंने क्या किया है, यहाँ पैटर्न चल रहा है हाफ़, दोनों दोनों कॉर्नर पर हाफ हाफ, सेंटर में एक बटा चार। अब यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर भी कितने खाने हैं, कुल देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा है फोर हैं, चार खाने हैं, तो ये भी आधे भर गए एक बटा दो, ये भी क्या आधे भर गए एक बटा दो, और ये क्या है एक बटा चार है। अब हमें यहाँ भी यही चाहिए। अब आप यहाँ देखें कि ऐसे कौन सी फिगर है जिसमें कितना होगा, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये देखिए आधा है तो एक बटा दो हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ भी एक बटा दो चाहिए और हमें यहाँ एक बटा चार चाहिए। अब हम देखते हैं कौन सा है एक बटा दो और एक बटा चार, अब हम ये ढूंढते हैं कौन सा एक बटा दो एक बटा चार, इसमें है नहीं, ये हाफ हाफ है फर्स्ट, ठीक है हाफ हाफ, इसमें क्या है एक बटा चार है, थ्री में देखें क्या है, इसमें भी हाफ हाफ है। आप देखें फोर में क्या है, इसमें ये है कि ये एक बटा चार है और ये जो है एक बटा दो है यानी हाफ है, इट मीन्स फोर ऑप्शन होगा, ये फोर ऑप्शन है, ये रहा फोर ऑप्शन, समझ आया बेटा। आपने बस ये देखना है कि हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आप देखें फर्स्ट में ये हमारा हाफ, अब हम ये दोबारा आपको यहाँ से बता रहे हैं, देखें हाफ वन ओवर टू, ठीक है, यहाँ भी वन ओवर टू, ये आपको समझ आ गया है। इसके बाद आप देखें यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है, ये देखें ये यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, और यहाँ हमने ये पैटर्न ढूंढ लिया कि हमें यही फॉलो करना है पैटर्न, ये क्या ये टू है, यही हमें फॉलो करना है पैटर्न। जब हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अब है इसमें यहाँ हमने लिख दिया टू, ठीक है, इसी पैटर्न पर ये फोर आंसर है, समझ आ गया ना, वरना आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में बेटा। जी अभी यहाँ पर भी आप देखें क्या होगा हमारे पास, हमें यहाँ भी जो प्रोसेस करना है उसमें क्या तरीक़ाकार होगा, यहाँ हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है, इसमें ये हम रिमूव कर दें ताकि ये दूसरी फिगर में देखें ये आ रहा है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको ये नेक्स्ट परेशान ना करें, क्योंकि आपको हमने समझा तो दिया है तो आपको यकीनन अच्छे से पता चल गया है, ठीक है। अब हम ये नेक्स्ट फिगर लेते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं। जी अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने जो पैटर्न फॉलो करना है उसका तरीक़ाकार क्या है, वो भी आपने जो फोर आपको फिगर्स दिए ना, आप इन फोर फिगर को देखें गौर से। पहली बारी देखें यहाँ इसने कैप पेन रखा है, एरो है, यहाँ ये दोनों आंखों से आपको घूर रहा है, यहाँ पर देखें यानी इस तरीके से ये बन रहा है क्या वी टाइप, लेकिन वी का कॉर्नर ऊपर है और उसका मुँह नीचे है, ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखें इसके बाद क्या है, इसमें फर्स्ट इसका मुंह नीचे है और आई वाले का भी मुंह नीचे हो गया, सब घूम गए ना, तो ये देखें ये ऐसे भी बन रहा था, अब ये देखें ये कैसे बन रहा है, अब ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये आपको पता चला। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो अपनी फिगर को देखना है, हमें ये देखना है कि अब कौन सी शेप हमारे पास आएगी कि जिससे कि हमें पता चले कि इसी किस्म की कोई शेप बन रही है, वी बन रहा है, और देखें ये हमारे पास कैप तो हो गया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी कौन सी साइड है, कौन सी साइड है, हमें ये पता है कि भाई ये ऐसे बनना चाहिए ऐसे, ठीक है, और दूसरा इसकी जो आंखें हैं आईज़ वाला वो भी ऊपर होना चाहिए, कौन सा यानी ये वाला, देखें ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, ठीक है। तो इसमें देखें इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि जो हमसे पूछा गया है, इसमें यहाँ पर देखें जहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर देखें यहाँ आईज़ नहीं है, नहीं है ना आई, देखो आई होनी चाहिए, यानी दो डॉट होने चाहिए सर्किल पर, इस पर दो डॉट नहीं है, इस पर दो डॉट हैं, लेकिन हम इसे मिलाएंगे तो देखें ये जैसा ये है वैसा ये है, ये सेम ही हो गया, वी नहीं बनेगा, मीन्स ये भी नहीं है,
इसको लेते हैं तो देखें ये पैरेलल हो जाएगा, जैसा ये है वैसा ही ये वाला है, तो ये भी वी नहीं बनेगा, यानी ये भी वी नहीं बनेगा। इसके बाद हम देखें अगर हम इसको साथ मिलाते हैं इस वाले को, तो हमारी ये बात पूरी हो रही है। ये जब यहाँ ऊपर गया देखें ये रहा, तो ये वी बन गया ना, ये देखें ये वी बन गया, वी भी बन गया और आइज़ वाला भी आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से फोर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया है, ये फोर हो जाएगा, फोर बनेगा। ये हमने आपको बता दिए कि क्रॉस हो रहे हैं, अब आपने शेप का ख्याल रखना है, कौन सी शेप होगी आपने उसी शेप में इसको चलाना है। ये देखिए हम इसको ऊपर लेके गए, वी बन गया, ये देखिए वी बन गया, और इसके साथ ये ऊपर लेके गए, यहाँ ये दो डॉट वाला आइज़ वाला भी आ गया, ये नहीं है। ठीक है, इसमें आइज़ हैं लेकिन पैरेलल हो रहा है, इसमें आइज़ बन रही हैं लेकिन पैरेलल हो रहा है, यानी दो डॉट हैं दायरे के ऊपर। अब फोर है, इट मीन्स आपका ये ऑप्शन फोर है। ठीक है बेटा, फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि आप पूछ लीजिएगा हमसे। अब हम यहाँ देखते हैं क्या है, आपको ये देखना है कि फर्स्ट को देखिए, जरा फर्स्ट एस टी यू वी डब्ल्यू हो गया ये। अब सेंटर वाले को देखिए सी, फिर डी नहीं है ई, फिर एफ नहीं है जी, फिर एच नहीं है आई, फिर जे नहीं है तो के। ठीक है, वी आई हो गया ये। अब यहाँ देखें डी, इसके बाद ई नहीं है एफ, जी नहीं है एच, आई नहीं है जे, के नहीं है एल। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया, वी आई जे, वी आई जे, ये सी ऑप्शन है। समझ आया अच्छे से, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग हाजिर रखना है, आपको ये देखना है, शेप्स को कंसीडर करना है, अल्टरनेट पर देखना है या रेगुलर होंगे या उनको अप एंड डाउन कर दिया होगा, घुमा दिया होगा, इस लिहाज से आप देखेंगे। और ये बेटा हमारा चैनल आपको नज़र आ रहा है और इसमें आपको मैं भी दिखाई दे रही हूँ। ठीक है, और आपने क्या करना है, ओबे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और शेयर करना है। और इंशाल्लाह ताला हम इस पर और भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी डालेंगे, इसके अलावा और मज़ीद हमने आपको जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो सिखाने हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, वो सब भी हम आपको बताएंगे। इन सब के लिए बेटा शरायत ये हैं कि आपने नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना है और आपने वीडियो को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। हम ऐसा आपको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ अभी प्रैक्टिकल के लिए भी अपलोड करेंगे, आपके ग्रुप्स का भी बताएंगे और कब किस डेट पर आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे वो बताएंगे, एडमिशन्स के बारे में, ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको चाहिए हमसे, हमारे कॉलेज से, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसलिए आपने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी, हर लम्हा आगाही के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इसको देखते रहें, इंशाल्लाह ताला बहुत ही फ़ायदेमंद आपको चीज़ें मिलेंगी और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बड़ों की दुआएं इंशाल्लाह ताला रंग लाती हैं और बच्चों को कामयाब भी करती हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई दूसरी और बहुत ही शानदार वीडियो से के साथ। ठीक है, यहाँ हमने आपको जो इसके ऊपर पिक लगाई, आप देखें इस तरीके से आपको अपने एंट्री टेस्ट में आंसर्स को डार्क करना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, ये इसलिए हमने आपको ये बताया है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।